श्री राम की बाल लीला। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य की आराधना करते हुए जनमानस के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है। आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। रवींद्रनाथ टैगोर, कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई कै नाचत, मातु सबै मन मोद भरे, कबहू रिसियाई कहे हठिके, पुनिले तिसोई चिहलागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छबि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की, पग नूपुर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजु बनी मनि माल ही है, नवनीत कलेवर पीत झंगा, झलके पुलके नृप गोद लिये, अरबिंदु सु आनन रूप मरंदु, अनंदित लोचन भृंग पिये, मन मोन बसियो अस बाल कुजो, तुलसी जग में फल कौन जिये, तन की दुति श्याम सरो रूह लोचन, कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छबि भूरी अनंग की दूरी धरे, दम कै दतियां दुति दामिनी ज्यों, किल कै कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे।